श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 609 भाग 5 तारीख 12/8/1998। मंगलं भगवान वीर मंगलं गौतम मंगलं कुंद कुंदार जैन धर्मोष्टि मंगल सर्व मंगल मांगल सर्व कल्याण कारकम प्रधानं सर्व धर्मान जैनं जैतं शासनं ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 609। इसमें 10 पॉइंट चले अब तक, 10 पॉइंट को फिर दोबारा देख लेते हैं। इस पत्र के अंदर कृपाल उद्धव ने सत्संग की महिमा बताई है। सत्संग के बिना आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। जिस जीव को आत्मज्ञान करना है उसको सत्संग की उपासना करनी चाहिए, वो भी गलती किए बिना। अगर गलती करके सत्संग करता है तो भी सत्संग सफल नहीं होता है। सत्संग के बिना तो कार्य होने ही वाला नहीं, लेकिन सत्संग किए और गलती रखे तो भी नहीं होने वाला। तो 10 नंबर के मुद्दे के अंदर उन्होंने 4 प्रकार की गलती की बात करी है। कहते हैं कि सत्संग में बड़े जीव आता है, लेकिन 4 में से एक भी गलती अगर जीव करता है तो सत्संग फलवान नहीं होता है। इसमें सबसे पहला जो दूषण है, गलती है, वो मिथ्याग्रह की। सामने हमारे आत्मकल्याण की सच्ची बात सुनने के बावजूद भी अपनी हट को नहीं छोड़े और स्वीकार नहीं करे उस बात का, तो उसको बोलते हैं मिथ्याग्रह। ऐसे जीव को तो सत्संग सफल होने का कोई अवकाश ही नहीं है। लेकिन दूसरा जो गलती है स्वच्छंद वाला, कि सत्संग में आता है, बात समझ में भी आती है, अपनी गलती भी मालूम होती है, और सत्संग में बैठे रहता है तब ऐसा निश्चय करता है कि अब से एक भी गलती नहीं करनी है, सदगुरु की आज्ञा के अनुसार ही चलना है, ऐसा निश्चय भी करता है जीव। लेकिन इसके बावजूद भी नीचे उतरता है या घर पे जाते ही अपने सब प्रतिबंधों के अंदर मोह माया में इतना फंस जाता है कि ज्ञानी की आज्ञा को नहीं उठा सकता है, अपनी मनमानी कर लेता है। शायद उसको ये मालूम ऐसा होता होगा कि ज्ञानी को थोड़ा मालूम पड़ेगा कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया, तो यहाँ आता है तो परिणाम अच्छे रहते हैं। लेकिन नीचे उतरते या घर पे जाते ही या दुकान पे जाते ही पूरा मामला बिगड़ जाता है। तो ऐसा करने से आप 10 साल करो, 20 साल करो या लाख साल करो, सत्संग सफल होने वाला नहीं। इसको मनमानी जो बोलते हैं वो स्वच्छंद के परिणाम है। इस स्वच्छंद के परिणाम से तो फिर विराधना हो जाती है। सत्संग में आते हैं और हमारा जीवन नहीं बदलता है, सत्संग भी करते हैं और हमारे दुर्गुण भी वैसे के वैसे रहते हैं, तो लोगों को सत्संग के बारे में जैसा तैसा बोलने का मौका मिल जाता है। हम तो विराधना करते ही है, लेकिन हमारे ऐसे परिणाम से अन्य जीव भी विराधना करते हैं, क्या सत्संग कराते हैं। थोड़ा भी सत्संग में आने वाला जीव थोड़ा भी गुस्सा करता है तो सामने वाले को मौका मिल जाता है कि आपको सत्संग में ऐसा ही सिखाते हैं, जाके करते क्या हो, इसे तो अच्छा है नहीं जाओ वहाँ पर, ऐसे जगह पे जाते क्यों हो, अपना धर्म कौन सा झूठा है, यहाँ जाओ उधर मत जाओ, ऐसा सर्व हो जाती है बात। कभी कभी आगे बढ़ करके गुरु के ऊपर भी आ जाती है, धर्म की निंदा होती है। ये सब कारण होता है, स्वच्छंद का कारण होता है कि जीव सदगुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलता है,
इसीलिए न वो खुद आगे बढ़ता है और उसके निमित्त से वो विराधना भी हो जाती है। तो ये स्वच्छंदता है, दूसरा दोष है। तीसरा दोष है प्रमाद वाला दोष, कि वो घर पे जाकर के भी हमेशा उसकी भावना में ऐसा होता है कि अभी मैं टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे को जल्दी कर लेना है, जल्दी कर लेना है, बात तो बिल्कुल सही है, पूरी मेरी गलती है, मेरा नुकसान हो रहा है, जल्दी से आत्मकल्याण कर लेना है, कर लेना है, कर लेना है, ऐसी भावना रहती है। लेकिन आज नहीं, कल थोड़ा ये काम निपटा के फिर, थोड़ा ये करके फिर, ऐसा एक न एक काम आते रहते हैं संसार के अंदर। और हर वक्त वो ऐसा ही सोचता है कि अब बस थोड़ा ये निपटारा हो जाए ना, फिर शांति से आत्मकल्याण करना है, करना तो यही है। ऐसा करते करते समय निकल जाता है, किसी घर में शादी ब्याह होती है तो बोले निपट जाए तो बाद में शांति से, किसी को बीमारी होती है तो बोले ठीक हो जाऊं तो करूं, किसी को संसार के कई प्रसंग बनते हैं ऐसा, या नहीं तो कोई ना कोई उपाधि आ जाती है, ये शुरू करता है, इतने में मेहमान आ जाते हैं या कोई और भी आ जाता है, परेशानी आती है और वो बोलता है कि ये निपटा के भी करना है, हर वक्त वो ये निपटा के करना है, ये निपटा के करना है, इसमें पूरा टाइम निकल जाता है। तो इसको बोलते हैं प्रमाद, ये भी एक दोष है। तो सत्संग का जो फायदा होना चाहिए वो जीव को नहीं होता है। नेग्लेक्ट करना, क्योंकि ऐसा संसार का काम तो अनंत काल से किया है, फिर भी हमारा कल्याण नहीं हुआ है। हमारा कल्याण का तो एकमात्र साधन सत्संग है, वो भी कोई 24 घंटा तो करने को नहीं बोलते हैं, एक ही घंटा करने का रहता है या 2 घंटा करने का रहता है। अगर हम 24 घंटे में से अगर 2 घंटे भी हमारे आत्म कल्याण के लिए नहीं निकालते हैं तो हम आत्मार्थी ही नहीं है फिर तो। संसार के काम को आगे पीछे करो, सत्संग को क्यों आगे पीछे करते हो? वैल्यू किसकी है? संसार में जैसे रहने के लिए हमको समाज में रहना है तो समाज के नियम अनुसार चलना पड़ता है, घर में रहना है तो परिवार का जो नियम होता है उसके अनुसार चलना पड़ता है, अपनी मनमानी हर जगह नहीं चलती है। ऐसे यहाँ आत्मा का कल्याण करना है तो आत्मा के जो नियम होते हैं वो पालन करना चाहिए। नहीं, जब भी दिल बोला तब सत्संग करना है, एक दिन आया चार दिन नहीं आया तो ये सत्संग का कोई तरीका तो नहीं है। सत्संग कौन कैसे किया? जिसको आत्म कल्याण नहीं करना है वही सत्संग को कौन करेगा, जिसको आत्म कल्याण करना है वो सत्संग को कौन नहीं करेगा, भूखा रह जाएगा वहां पर गालियां सुन लेगा या कुछ भी कर लेगा, लेकिन सत्संग को कौन तो नहीं करेगा। ऐसा कौन सा संसार का काम आ पड़ा है? जब हम बीमार पड़ेंगे तो जिस संसार के काम के लिए रुके हैं, जिनके लिए रुके हैं, वो हमारी बीमारी का कोई अंत लेने वाले हैं क्या? हमारा दुख में से कोई हिस्सा बांटने वाले हैं क्या कोई? ऐसे ही हम जब नरक निगोद में जाएंगे तो जिसके लिए हम रुक रहे हैं सत्संग को कौन कर रहे हैं, जिसके निमित्त से, जिसके कारण से। अगर हम नरक निगोद में जाएंगे तो इनमें से एक भी जीव नहीं आने वाला, दूसरे की तो बात जाने दो, ये शरीर ही नहीं आने वाला है साथ में, अन्य जीव की तो बात ही क्या करें। लेकिन जिसको हम इतना संभाल संभाल के रखे हैं पूरी जिंदगी तक, तो फिर भी वो शरीर भी आता नहीं, साथ देता नहीं। डॉक्टर का टाइम माने शरीर को ध्यान दिया आपने, डॉक्टर माने शरीर, किसी का भी वो तो और भी गलती हो गई, खुद के लिए भी रुके तो भी गड़बड़ है, तो दूसरों के लिए भी रुके तो गड़बड़ है ही है। बोले एक दिन खाना नहीं खाया तो क्या होता पूछना, एक दिन स्नान नहीं करे तो क्या होता, डॉक्टर तो बदल डालो, डॉक्टर दूसरा ले लो, डॉक्टर तो बहुत है, यही टाइम में हो गए तो हमको ये डॉक्टर भी नहीं चाहिए। हमारा सत्संग बिगड़ता है तो ऐसा हमको कोई कोई कनेक्शन रखने का नहीं है संसार का, जिसमें हमारा सत्संग की हानि होती है। सामने वाले को तो पूरा पता चल जाता है, घर वालों को पता चलता है, गुरु को तो पता चल ही जाता है, लेकिन घर वालों को पता चल जाता है कि सत्संग की कितनी वैल्यू है हमारे, तो दबाते हैं फिर, वो तो स्वार्थी है ही, दबाते हैं। हम सदगुरु की बात सुनना है कि संसारी जीवों की बात सुनना है, डिसाइड तो अपने को करना है। आगे तो आएगी बात, मृत्यु आता है तो भी सत्संग पहले,
मृत्यु को पसंद करने को तैयार है लेकिन सत्संग छोड़ने को तैयार नहीं। आगे आएगी बात, 11 नंबर में आती है बात। इतना तो कोई तकलीफ नहीं है ना संसार के अंदर कि मौत आ जाएगी, अगर नहीं गए डॉक्टर के पास तो मौत आ जाती है क्या? या जिसके लिए हम जिसको लेके नहीं जाते हैं, अगर हम नहीं लेके गए और सत्संग में गए तो क्या वो मार डालने वाला है क्या हमारे? अगर मार डालता है ना तो भी हमको वो पसंद है, मरना पसंद है, लेकिन सत्संग छोड़ना पसंद नहीं। इतनी वैल्यू जब तक नहीं आएगी तब तक आत्मकल्याण, इस घर में नहीं रहना है, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है। अगर हमारा सत्संग में बाधा डालते हैं तो हमको रहना नहीं, उनके साथ ही नहीं रहना है, क्योंकि वो एक भाव के साथ ही होगा। सत्संग से जो आत्मज्ञान होगा, जो ज्ञान मिलेगा, वो हमारा अनंत जन्म मरण को मिटाने वाला ज्ञान है। हम लोग तो बिजनेस करने जाते थे तो टाइम होता था तो 7 बजे का, तो व्यापारी को बोलते थे माल रख तेरे पास, पैसा भी रख, कल सुबह आके लेके जाएंगे, हिसाब किताब भी बाद में करेंगे। और लेट होता था तो बच्चों को बोलते थे ब्रेड मंगा के खा लेना, हम सीधा जा रहे हैं सत्संग के अंदर, और वहां से सीधा हम बादाम बन के घर पे आते थे। ऐसा तो एक दो बार नहीं, हजारों बार बना है ऐसा। तो भूखे पैसे भी, बच्चों को भूखा रख करके भी गए हम लोग। जब सत्संग में गए थे तब तो हमारे बच्चे दूसरों के घर में रहते थे, आपके घर में रहते थे बच्चे हमारे दोनों, मंथन और तेजस, तो 2 महीना रहे सो है, तो हमको किसी की याद नहीं आई ना, हमने किसी को ट्रंक कॉल भी किया है। 2-2 महीने तक, 3-3 महीने तक ऐसे रखे हैं हमने बच्चों को, घर में पूरा घर खुला रख के गए हैं हम, घर में कोई लॉक करके भी नहीं गए कि भाई बच्चे अकेले हैं, कोई चोरी करके जाएगा तो ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो कुछ भी नहीं, जैसा होने वाला होगा। हमको तो सत्संग में छोड़ करके नहीं आना है, काम होने के बाद ही घर में एंट्री, जब तक तो एंट्री नहीं। बीच में 7 दिन के लिए आए तो कैसा भागे वापस कलकत्ता, 7 दिन भी नहीं, यहाँ आए क्यों हम, वहां से ही चले जाना था, यहाँ आए क्यों हम? बस सत्संग की इतनी वैल्यू लगेगी तो कार्य होगा, सत्संग की वैल्यू नहीं है तो कार्य होने वाला ही नहीं है। अब ये घड़ी घड़ी समझाने की बात नहीं, एक दफे समझा दिया साल में समझ जाने का, दूसरी बार वो प्रश्न आया तो आप गलत है, मतलब आत्म भावना नहीं है, उसको ज्यादा समझाने का ही नहीं है। इतना एनर्जी कौन वेस्ट करेगा बेकार का? तो प्रमाद जो है तीसरा दोष है, और इंद्रिय विषय की अपेक्षा रह जाती है। क्यों, जैसा सत्संग बोलते हैं ऐसा आत्मध्यान करने के लिए या अवलोकन करने के बैठता तो है, लेकिन घड़ी घड़ी अवलोकन छूट जाता है, वापिस विचार में चले आता है, अरे मैंने ऐसा गलती क्यों कर दी करके सोच लेता है। गुस्सा किया और अवलोकन शुरू हुआ और देखा कि अंदर में गलत भाव आ रहे हैं, फिर वो बोलता है कि अरे ऐसा गलत भाव क्यों आया, मुझे तो नहीं आना चाहिए था, गलती हो गई, अब दोबारा नहीं करना है ऐसी गलती, ये सब गड़बड़ हो गया, वापिस अवलोकन नहीं हुआ। ये अवलोकन के अंदर करने को बैठे और दूसरों की गलती तो भी गड़बड़ है, और परिणाम बताता है तो दूसरे के उन्होंने ऐसी गलती की। दुनिया हमको दूसरे की बात नहीं सुनना है, सदगुरु को आप दूसरे की बात मत सुनाइए आकर के, उसने जब गलती की तब आपके दिल में क्या क्या गुजरी, आपके दिल में कैसे कैसे भाव हुए, वो भाव सुनना है हमारे। हमको वो बात नहीं सुनना है कि दूसरे ने क्या क्या गड़बड़ किया, अच्छा व्यवहार किया कि बुरा व्यवहार किया, हमको ये नहीं सुनना है। हमको तो ये सुनना है कि उसने जब ऐसा किया आपके साथ तब आपके दिल में क्या क्या हुआ था, उसका क्या अवलोकन किया आपने, वो बताओ हमारे। लेकिन वो गड़बड़ करता है, अवलोकन चलता नहीं, फिर आकर के दूसरों की बुराई करके चले आता है कि हमारा तो, हम तो बहुत ट्राई करें लेकिन हमको तो आत्मकल्याण करना है, लेकिन दूसरा ऐसा करता है ना, वैसा करता है ना, वो करता है, हमको कहाँ दूसरों की बात सुनाते हो, हमको दूसरों की बात सुनना ही नहीं है ना। दूसरों की दवा करने वाला होगा, दूसरे को गलती होगी, दूसरा खुद ही आकर दवा ले लेगा, आप क्यों इसकी तरफदारी करते हो, उसको सुधारने के लिए आप क्यों कोशिश करते हो? आप तो अपनी बात करो कि दूसरा ने आपको बहुत सताया, बहुत हैरान किया है, बहुत अच्छा आपको संभाल रखी, उस वक्त आपको द्वेष कितना आया, आपको राग कितना आया, आपने क्या अवलोकन किया ये बताओ हमारे को, हमारा टाइम क्यों बर्बाद करते हो बेकार का? तो इंद्रिय विषय की अपेक्षा रह जाती है कहीं ना कहीं,
कहीं ना कहीं हम अपेक्षा कर लेते हैं, इंद्रिय विषय की अपेक्षा रखो या दूसरों की अपेक्षा, कि हमको अवलोकन तो करना है लेकिन घर में कोई सपोर्ट करता नहीं है, घर वाले सब काम दे देते हैं हमारे को, हम इतना काम है फिर हम अवलोकन के लिए टाइम नहीं मिलता है, सब लोग हमको कोई हैरान नहीं करे, जैसा सबके ऊपर हम बहुत उपकार करते हैं, बच्चे लोग आवाज नहीं करना, घर में कोई जिम्मेदारी नहीं देना, हम बिल्कुल अकेले रहे तो अवलोकन कर पाएंगे। ये अपेक्षा रहने वाला जीव को अवलोकन भी नहीं होता और वेद ज्ञान भी नहीं होता है, अगर आत्मा का ज्ञान भी नहीं कर सकता है तो काम तो करता है, करना चाहता है लेकिन अपेक्षा रख दिया कर, ऐसा होवे तो, ऐसा होवे तो, ऐसा होवे तो, ऐसा होवे तो, नहीं होता है। सत्संग में आकर के अगर दूसरे की बुराई करते हो तो गलत ही है कि हमारा ऐसा परिणाम बिगड़ गया, क्यों बिगड़ा, कि उसने बिगाड़े, उसने ऐसा वर्ताव किया, उसने ऐसा वर्ताव, अच्छा भाई उसने भले कुछ भी किया तुमको क्या हुआ, अंदर में क्या हुआ, तुमने कुछ अपेक्षा रखी दूसरों की, दूसरा अच्छा व्यवहार करे तुम्हारा साथ, वो तुम्हारा अधीन तो है नहीं, वो जी स्वतंत्र है, उसको जैसा करना होगा करेगा, अच्छा भी करेगा बुरा व्यवहार भी करेगा, तुम उसका मालिक नहीं हो, तो फिर तुम क्यों अपने इच्छाओं को अपेक्षा को नहीं छोड़ देते, दूसरा मेरी इच्छा के अनुकूल चले ऐसा क्यों सोचते हो, ऐसी अपेक्षा क्यों रखते हो, ऐसा जोर क्यों देते हो, क्यों अपना नुकसान करते हो ऐसी अपेक्षा रख कर, अवलोकन ही नहीं चलेगा, वेदज्ञान ही नहीं होगा, तो इंद्रिय विषय की अपेक्षा चल रही है, सत्संग सफल नहीं होता है। ये चार प्रकार की गलती, मिथ्याग्रह, स्वच्छंद, प्रमाद और इंद्रिय विषय की अपेक्षा, इन सत्संग कितना भी करे तो सफल नहीं होता है। और इतना होने के बाद दुर्गुण निकल गए, लेकिन दो गुण और चाहिए हमारे को, दुर्गुण तो चार नहीं चाहिए, दो गुण चाहिए और, इसमें सत्संग में एक निष्ठा होनी चाहिए, लगन लगनी चाहिए उसकी, आत्म शांति की खोज, आत्मा के दर्शन करने की प्यास, और दूसरा कोई काम नहीं सुहा है, एक यही काम करना है, दूसरा कोई काम नहीं लेना है मथे पे, इतनी धुन लग जाए इसके पीछे, लोगों को ऐसा लगे कि हम जैसे कि बिल्कुल हमारे सुध बुध खो बैठे हैं, हमको कहीं भी इंटरेस्ट नहीं है, ना खाने में, ना पीने में, ना टीवी देखने में, ना अड़ोस पड़ोस में बातचीत करने में, ना शॉपिंग करने में, ना उधर उधर जाने में, पार्टी में उधर उधर किधर टाइम वेस्ट करने का सुहा था नहीं, दिन रात एक ही बात, मेरे आत्मा का दर्शन कैसे हो, मेरा अवलोकन कैसे चले, कोई भी काम के पीछे या किधर भी कोई भी दूसरे संसारिक काम के लिए मेरा अवलोकन नहीं बिगड़ना चाहिए, तो अवलोकन के लिए वो सबको गौण कर देता है, सबको ठोकर मार लेता है, किधर भी नहीं जाता है, जहां तक हो सके बच के रहता है, अपना अवलोकन पहले होना चाहिए, बाद में सब दूसरे बात, ऐसी एक निष्ठा एक धुन लग जाए उसके अंदर तो कार्य सफल होता है, धुन नहीं लगता है तो कार्य सफल नहीं होता है। और दूसरा अपूर्व भक्ति होनी चाहिए, ऐसे सत्संग में आने वाले को जब दुर्गुण मिट जाते हैं और थोड़ी बहुत एक निष्ठा धुन जैसी लगती है तो फायदा तो होता ही है, उस फायदे के कारण से सत्संग में बार बार आने की इच्छा भी होती है और भक्ति भी होती है, कभी नहीं आ सकता है तो रोना भी होता है कि अरे सत्संग आज नहीं मिला छूट गया, देरी से पहुंचे तो भी ऐसा होता है, लेकिन ये सब भक्ति के परिणाम है सत्संग के, लेकिन वो नहीं चलता है, अपूर्व भक्ति चाहिए, अपूर्व भक्ति का तो अलग ही मीनिंग है बिल्कुल, इतनी अर्पणता होने पर भी वो काफी नहीं है, अपूर्व पहले कभी नहीं आई ऐसी ऐसी भक्ति होनी चाहिए, सत्संग उसका एक एक सांस सांस में धड़कन धड़कन में बस जाना चाहिए, इतना सत्संग की वैल्यू उसकी कीमत इतनी लगनी चाहिए, इसको बोलते हैं अपूर्व भक्ति, मिला तो ठीक नहीं मिला तो ठीक, या दूसरों की संभालने में लगे वो तो भक्ति नहीं है, सत्संग की भक्ति नहीं है, और भक्ति करता है वो भी काफी नहीं है, अपूर्व मतलब भाई पहले किया नहीं इतनी भक्ति, समझो एक ग्राम सोने के 5,000 रेट हो तो 5,000 देवे ऐसा नहीं, पूरा ले लो आप लेकिन दे दो मेरे को, ऐसा होना चाहिए, मेरे पास जितना भी है उतना पूरा ले लो लेकिन मेरे को एक दो, उसको बोलते हैं ऐसी भक्ति हमने की नहीं। एक कृपा वाले के पास जब शास्त्र लेके आए, कोई दुकान पे बैठे थे तब समय सार शास्त्र लेकर के कोई आया होगा, तो देखा कि कौन सा पुस्तक है, था साहब पना फिराए हो देखे तो समय सारे आचार्य कुनकुन भगवान का,
वो लोग मैं मोती का व्यापार करते थे, तो उन्होंने ऐसा देखा नहीं कि मेरे मुट्ठी में कितने मोती आ रहे हैं, कहीं ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, ऐसा गिन के नहीं देना है। एक शास्त्र के बदले में उन्होंने मुट्ठी भर करके मोती दे दिए, ऐसा उठा करके, ऐसा कितने कितने मोती दिए, क्या किए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। इस शास्त्र की वैल्यू इतनी है कि इसका एक वचन भी अगर अंदर में उतर जाएगा, हृदय में उतर जाएगा, तो मेरा आत्मकल्याण हो जाएगा, जन्म मरण का अंत हो जाएगा। तो ऐसे सत्संग के लिए तो हम जो बोले वो देने को तैयार है। इतनी अपूर्व भक्ति इनको होती तो सत्संग सफल होता है। अपूर्व भक्ति नहीं आती है तब तक उतनी हमारे में कमी है। अभी इसमें भी अगर हम हिसाब किताब लगाते हैं कि लिखा जोखा करते हैं, तो अभी इतना फलवान नहीं होता है। भक्ति आनी चाहिए। कहते हैं कि यदि एक ऐसी अपूर्व भक्ति से सत्संग की उपासना की, एक बार भी अगर ऐसा अपूर्व भक्ति में आकर के सत्संग को उपासना किया, सत्संग में जो बात आई उसको उठाया, जीवन में उतारा, तो अल्प काल में मिथ्या ग्रह आदि का नाश हो जाता है। मतलब मिथ्या ग्रह का नाश, स्वच्छंद का नाश, प्रमाद का नाश, और अन्य जीवों की कोई अपेक्षा होती है तो उसका भी नाश, सारे दुर्गुण मिट जाते हैं। और आत्मा की धुन नहीं लगी है तो धुन भी लग जाती है। इस चार गुण, चार दोष नाश होना, और एक निष्ठा और अपूर्व भक्ति, इन छह में से अगर एक भक्ति को संभाल लिया, वैल्यूएशन किया, अगर वैल्यूएशन के सत्संग छोड़ने में कितना नुकसान होता है और बाहर का छोड़ने में कितना नुकसान होता है, सबसे ज्यादा नुकसान किस में होता है, इसका लेखा जोखा करा, अगर एक एक पलड़े के अंदर सत्संग की वैल्यू रखे और सत्संग को रखो, और दूसरे पलड़े के अंदर सारी दुनिया रखो, जितने भी सुख सगवड़े पंचेंद्रिय के विषयों की, जो भी, सब दूसरे पलड़े में रखो, तो जो जिसको आत्म कल्याण करना है वो तो बोलेगा दुनिया को लात मारो, दुनिया के सारे सुख सुविधा मुझे नहीं चाहिए, सब के सुख मुफ्त में नहीं चाहिए, मुझे सत्संग चाहिए। तो इसको बोलते हैं अपूर्व भक्ति। अगर ऐसी अपूर्व भक्ति अगर सत्संग के प्रति अगर हो जाए एक बार भी अगर, तो ये जो सारे के सारे दोष है, मिथ्याग्रह है, स्वच्छंद है, प्रमाद है, अन्य जीवों की, अन्य पदार्थों की अपेक्षा है कि वो हमारे अनुकूल बने तो हम आगे बढ़े, ये सब दुर्गुण निमिट जाते हैं अपने आप। और जो धुन नहीं लगती है, आत्मा के पीछे जीव पागल नहीं होता है, आत्म कल्याण का विचार भी आते हैं, दूसरे भी विचार आते हैं, ऐसा जो मिश्रित अवस्था है, इसकी जगह पे दिन रात नींद में भी आत्म कल्याण करना है, वही विचार रहता है, दूसरा विचार नहीं आता है संसार का। एक निष्ठा में आ जाता है जीव, अगर भक्ति में आया तो। सत्संग को तो किसी हालत में भी नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी प्राण भी चले जाए, तो ऐसा अगर रहता है, अगर भक्ति में आया अगर, तो जीव आराम से सुधर जाता है, आसानी से। शुरुआत में गलतियां हमारी बहुत सी होती है, लेकिन सत्संग की आराधना करने से, सत्संग की वैल्यू करने से, सत्संग के प्रति अपूर्व भक्ति करने से, हमारे जितने भी दुर्गुण होंगे धीरे धीरे सब साफ हो जाएंगे, योग्यता बनती है इसके लिए। तो कहते हैं यदि एक ऐसी अपूर्व भक्ति से आप में दूसरा कुछ सब हजार दुर्गुण हो, लेकिन एक गुण अच्छा हो, कौन सा, भक्ति वाला, सत्संग की वैल्यूएशन हो आपके दिल में, ऐसा वैल्यूएशन कि ये सत्संग ही मेरे जन्म मरण को मिटाने वाला है, सत्संग के बिना मेरा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, एक ही यही तारने वाला है, ऐसी अगर भक्ति आ जाए और सत्संग को निरंतर उपासना की जाए, तो अल्प काल में मिथ्याग्रह, स्वच्छंद, प्रमाद और इंद्रिय विषय की अपेक्षाओं सबका नाश हो जाता है, सारे दुर्गुण का नाश हो जाता है, और अनुक्रम से मतलब धीरे धीरे जीव सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाता है, राग द्वेष 25 प्रकार के कषाय, अनंत अनुबंधी के प्रत्याख्यान, सब हरेक प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाता है। सर्व प्रकार के दोषों से मुक्त होता है तो क्या होता है, परमात्मा बन जाता है, कौन, सत्संग करने वाला। इसीलिए ज्ञानी भी सत्संग करते हैं, मुक्त को तो करना ही चाहिए, लेकिन ज्ञानी भी सत्संग करते हैं, क्योंकि अनंत अनुबंधी का कसाय चले गया, लेकिन अभी चारित्र मुख्य कसाय तो अभी बाकी है,
को चारित्रमों के कसा है उसको कौन हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? एक तो हमारा आत्मा में स्थिरता लगेगी वो, लेकिन उसमें ज्यादा देर रह नहीं सकते, तो क्या करना? तो सत्संग करना, वो ज्ञानी भी करते हैं, आत्मज्ञान होने के बाद भी वो सत्संग करते हैं। क्यों? क्या अभी पूरे दोषों से मुक्त नहीं हुए हैं? अगर हम सत्संग करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और सत्संग में बताए हुए रास्ते पे चलते जाएंगे, तो जो हमारे चारित्रमों के दोष है वो भी धीरे 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 कम होके होके बिल्कुल सर्व दोषों से मुक्त हो जाएंगे। जब तक एक अंश में भी किसी न किसी प्रति राग होता है या द्वेष होता है अंश में भी, तब तक हमको सत्संग में रहना का है, सत्संग में रहना है, सत्संग की उपासना करनी है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष तो सत्संग करते ही हैं, लेकिन जिनको दिन में हजारों बार आत्मा का निर्विकल्प ध्यान होता है, ऐसे मुनिराज आचार्य देव, यहाँ तक कि गणधर, जो 12 अंक का ज्ञान होता है उनका, गणधर देव को, लेकिन गणधर देव अकेले नहीं रहते हैं, जहाँ तीर्थंकर होते हैं वहीं रहते हैं, साथ में रहते हैं। गणधर के जितना ज्ञान होता है, 4 प्रकार के ज्ञान होता है, मति श्रुत अवधि और मन पर ज्ञान भी होता है, आत्मज्ञान सहित उनको सारे सारे दुनिया का ज्ञान होता है। जितना केवली भगवान को ज्ञान होता है, सर्वज्ञ देव को, केवल ज्ञान का, केवल ज्ञान में जो कुछ भी भगवान जानते हैं उतना पूरा का पूरा वो उसको कंठस्थ होता है, पूरा ज्ञान, पूरे दुनिया का ज्ञान उसको रहता है गणधर भगवान को। इतना इतना जबरदस्त ऐसा ज्ञान तो किसी को और किसी को होता नहीं है, ये केवली के सिवाय। इतना ज्ञान होने पर भी और हजारों बार निर्विकल ध्यान करते हैं दिन भर में, लेकिन कहाँ रहते हैं वो? गणधर रहते किधर हैं? भगवान के चरणों में ही रहते हैं, नहीं छोड़ते हैं। हम तो अगर कहीं उस गांव में रहते हैं तो हमारा 1 मिनट शायद लेट भी होता होगा समोसरण में, भगवान की वाणी छूटने के बाद 1-2 मिनट निकल जाते हैं, बाद में पहुंचते हैं, समझो मान लीजिए। स्वर्ग के देव को भी शायद आने में देरी हो सकती होगी, लेकिन गणधर को तो देरी होती ही नहीं है, क्योंकि वाणी छूटे या न छूटे वो तो भगवान के चरणों में ही रहता है, तीर्थंकर भगवान के चरणों में ही रहता है। इतना इतना ज्ञान होने पर भी तीर्थंकर भगवान के चरणों को छोड़ता क्यों नहीं है जी? सारे लोग चले आते हैं समोसरण में, तो लेक्चर पूरा होता है भगवान का, तो सब अपने अपने स्थान पे चले आते हैं, वापिस गणधर नहीं जाते हैं। केवली नहीं, केवली बाद में बनते हैं भगवान जाने के बाद, या आदि में भी कोई कोई बनते हैं, लेकिन गणधर तो समोसरण में ही रहते हैं, भगवान को छोड़ करके नहीं रहते हैं, अकेले कहीं जाते हैं नहीं। सब लोग जाने के बाद भी वो ना भगवान की वाणी नहीं छूटती है, फिर भी वो भगवान के साथ ही साथ है। तो गणधर तो प्रमुख शिष्य है, गणधर का द्रव्य तो वो भी ऊंचा द्रव्य है, प्रमुख शिष्य है भगवान, सारे शिष्यों के अंदर नंबर 1 में उनका स्थान आता है, गणधर का आता है। इतना ज्ञान और किसी को भी नहीं होता है। कहने का मतलब कि अभी अंश में भी थोड़ा भी अगर राग द्वेष किधर भी होता है ऐसी स्थिति में, इतना संचलन कसाय का राग द्वेष होता होगा गणधर भगवान को, मामूली मामूली बिल्कुल। तो मामूली जब तक थोड़ा भी अंश में भी राग द्वेष है तब तक कहाँ क्या करते हैं, सत्संग में रहते हैं वो भी, किसके सत्संग में? भगवान के सत्संग में रहते हैं। तो गणधर देव को भी सत्संग की जरूरत पड़ती है, मुनिराज को भी सत्संग की जरूरत पड़ती है, ज्ञानी को भी जरूरत पड़ती है, जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, जो जन्म मरण में डोले खा रहा है, अभी कोई ठिकाना नहीं है उसका, वो कभी आवे कभी नहीं आवे और सत्संग के प्रति भक्ति नहीं आवे, तो उसका तो कभी कल्याण होने वाला ही नहीं है। संसार को रखना है कि आत्मा को बचाना है, क्या करना है सोच लेने से। संसार में तो अनंत बार किया ही, शरीर के लिए किया, कुटुंब के लिए किया, समाज के लिए किया, इस जीव ने सबका किया, सबको राजी रखने की कोशिश की है इस जीव ने, लेकिन अपने आप को तो डुबाया है, अच्छी तरह से डुबाया है अनंत काल तक। अब मौका आता है तो वो उस टाइम में क्या करना? मात्र आत्मा का करना के साथ में कुटुंब परिवार का भी साथ में ध्यान रखना है, शरीर का भी ध्यान रखना, पूरा नहीं थोड़ा थोड़ा भी ध्यान रखना है क्या? शरीर का नहीं रखना,
परिवार वाले की थोड़ी बात सुनना कि नहीं सुनना। 100 में से 80 बात तो गुरु की सुनते हैं, 20 बात तो सुनना कि नहीं सुनना, घर वालों की, समाज की, किसी की। 99 बात गुरु की मानते हैं, 1 बात तो मानना कि नहीं मानना। हमारे जिसके साथ 7 फेरे दिए हैं, जिनके साथ रात दिन हमारा उठना बैठना है, जिस घर में साथ में रहते हैं, उसकी बात सुनना कि नहीं। 1 बात तो सुनना कि नहीं, पूरी बातें नहीं, 1 बात तो सुनना कि नहीं सुनना। जो बच्चे लोग छोटे छोटे हैं, जो हमारे आधा से जीते हैं, हम नहीं है तो बेचारे क्या होगा उनका, तो उन बच्चों की बात सुनना कि नहीं सुनना। 1 बात सुनना कि नहीं सुनना, पूरी बात भले ही नहीं सुनना। वो पढ़ाई करते हैं तो उनका ध्यान रखना कि नहीं रखना, रात को सोते वक्त दूध पिलाना कि नहीं पिलाना, खाना बराबर टाइम से देना कि नहीं देना, हमारी फर्ज है कि नहीं है, क्या करना, किसकी बात सुनना, किस ध्यान किसका रखना, कि हमारे थोड़ी ही फर्ज नहीं है संसार के प्रति, कुटुंब परिवार के प्रति, समाज के प्रति, शरीर के प्रति थोड़ी भी फर्ज नहीं है कि हमारे तो नहीं, पूरा का पूरा ध्यान सत्संग और सदगुरु के ऊपर होता है। सदगुरु बोले तो करना नहीं चाहिए, सदगुरु की आज्ञा में उनकी किसी की एक भी बात नहीं सुनना है, और सदगुरु की पूरी की बात सुनना है, हर काम पूछ के या अवलोकन में रहना है, अवलोकन में रहते हुए करना। वो तो ऐसा ही करता है, अवलोकन में रहता है कि अवलोकन में होने वाला है। एक जगह पर दवा ऐसी मिल रही कि कभी आप बूढ़े नहीं होंगे, जैसे बैठे रहेंगे, जैसे स्थिति में बैठे रहेंगे, हो गया तो हम छोड़ देंगे क्या, ये भी निभाएंगे वो भी करेंगे जरूर, लेकिन पूरा मुख्यता वहाँ पर रहेगा। तो जिनको सब आता है तो जीव होशियार है संसार में भी, वो तो बात बोला था ना कि पार्टी में गए और हार खो गया तो क्या होता है, तो उसी पार्टी में जहाँ वो मौज मजा कर रहा था वही उसी पार्टी में है अभी पूरा फंक्शन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वो वहां रहने पर भी कैसा है, तो मालूम हुआ कि मेरा हार खो गया है तो पार्टी में और सब मेहमानों के बीच में है, लेकिन उसके होश तो उड़ गए हैं पूरे, उसकी सुध बुद्धि खाने में नहीं, उसका पूरा ध्यान मन इसमें लगा है, घर पे आता है अगर बहुत ढूंढ के परेशान होने के बाद भी नहीं मिलता है, बहुत कोशिश कर लिया नहीं मिला, घर पे आता है तो भी विचार किसके आते हैं कि चलो अब जान दो ना, नहीं मिला ना, अब इतना कोशिश तो कर ली ना, अब क्या है, अब ज्यादा सोचने से क्या होने वाला है, कोई आने वाला थोड़ा है, जिसने चोरी किया वो थोड़ा देने वाला है, अब किस किस के ब्लेम करें, रंगियात पकड़े तो पकड़ सकते, देखा है तो, देखा ही नहीं है तो किसको पकड़े, हम उल्टा और हंगामा खड़ा हो जाएगा बेकार, गलत आदमी को निर्दोष को पकड़ लेंगे तो और परेशानी हो जाएगी, और हमने कोशिश तो कर ली, जितना भी करना था पूरा कोशिश कर लिया, पुलिस को भी आखिर बुला लिया, पुलिस ने भी पूरा सबका चेकिंग कर लिया मेहमानों का, इसके बाद भी हमको नहीं मिला है, अब थक हार करके बैठे हैं, ठीक है कोशिश करना बंद किया है, लेकिन दिमाग में से हार चले गया है क्या, तो क्या हम अभी भूखे होने जाएंगे, हार नहीं मिलेगा तो खाना नहीं खाएंगे, अरे खाना खाएंगे लेकिन खाना खाते खाते भी विचार किसके आएंगे, खाना भी खाएंगे, बच्चों को भी संभालेंगे, सब कुछ करेंगे, संता का काम पूरा, सब संसार में पूरा मालूम है उसको, हर प्रकार का मालूम है, ज्ञान नहीं आई हो।
ऐसा अगर सत्संग के ऊपर तो ऐसी भक्ति अगर आ जाए एक बार भी तो सारे जन्म मरण का अंत हो जाए, ऐसी विद्या मिल जाए। ऐसे क्या है कि सदगुरु विद्या तो दे रहे हैं लेकिन हमको पल्ले नहीं पड़ती है। तो पल्ले नहीं पड़ने का कारण यह है कि हमारे में इतनी सारी गलतियां हैं। तो बहुत सारे सवाल किए माता जी, पूरे खाना बुद्ध दर्शन में पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि हमको तो आत्म कल्याण करना है, हमारी भावना ही बहुत है, बहुत कुछ ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो गया है, लेकिन आप बताओ अभी हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक ही बात, खुद करे तो होवे, एक दूसरा शब्द ही नहीं। अभी वो जितना भी कर रहा है तो हम तो ऐसा बहुत कर रहे हैं, ऐसा बहुत कर रहे हैं, हम तो इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, ऐसा पूछे माता जी फिर क्यों नहीं होता है। अंतःकरण की शुद्धि तो माता जी को पूछा है कि हम तो इतना इतना करते हैं, इतना शास्त्र पढ़ते हैं, इतनी चर्चा करते हैं, इतना हम पूजा भक्ति करते हैं, इतना मनन चिंतन करते हैं, लोगों को लगता है कि हमारे में बहुत ज्ञान है। आप प्रश्न पूछो हमको पूरा जवाब देते हैं शास्त्रों का, हर प्रकार का, इतना ज्ञान हम, एक भी जवाब गलत नहीं आएगा। इतनी इतनी और इतने साल से कर रहे हैं, एक दो साल से नहीं, 25 साल से 30 साल से कर रहे हैं। रोज आपका प्रवचन बराबर सुनते हैं, पूजा भक्ति बराबर करते हैं, निवृत्ति है पूरी, फिर भी हमारी भावना तो ऐसी ही है जल्दी हो जाए लेकिन फिर क्यों नहीं होता है। तो बोला जिसको ऐसा लगता है कि हम बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, तो समझ लो कि भावना पूरी। भावना वाले को तो ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, गिनती ही नहीं करता है। भावना वाला कभी ये नहीं सोचता है कि मैंने इतना इतना किया, मैं इतना इतना कर रहा हूँ, इतना इतना कर रहा हूँ। अरे यहाँ से रोज जाना पड़े ना प्लेन में, उधर गुरु के पास आना जाने का रोज का हजारों का खर्चा होता है। भावना वाला ऐसा नहीं बोलता है कि मैंने देखो कितना कितना करता हूँ। नहीं लगता, 3 दिन के लिए ही जाके और इतना खर्चा करके आया तो ऐसा नहीं लगता है कि हमने बहुत खर्चा किया, इतना बहुत खर्चा किया ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हमने किसके लिए किया, किसके उद्धार के लिए किया, यह भी तो किसके लिए किया है, खुद का हार्ट का ऑपरेशन कराना है समझो, मान लीजिए डॉक्टर बोलता है 2 लाख चाहिए तो क्या क्या करता है, क्यों फिर गिनती करता है, अरे अरे इतना खर्चा हो गया, इसमें से तो नहीं करते तो अच्छा था ऑपरेशन, ऐसा कभी अफसोस होता है। देखो अपने लिए कितना भी खर्चा हो तो गिनती नहीं करता है, चाहे लाखों रुपया खर्चा हो जाए तो भी, और आत्मा के लिए थोड़ा भी अगर हम सत्संग किया और थोड़ा खर्चा हो गया, थोड़ा समय का भोग दिया, ओ हम तो इतना किया, हमने इतना इतना किया, वो गिनती किया वो सच्ची भावना ही नहीं। जाओ भावना वाला कभी गिनती करता नहीं, हम इतने साल से आ रहे हैं अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, अभी तक क्यों नहीं हो रहा है। भावना वाला कितना समय गया वो नहीं गिनता है, भावना वाला समय कितना गया वो नहीं गिनता है। सच्चा व्यापारी तो क्या होता है, दिन भर तो धंधा करता ही है लेकिन घर पे आने के बाद भी उसके विचार में वही रहता है, कल उसको फोन करना है, वहां से पैसे मंगाना है, उसको ऐसा करना है, वो एसटीडी नंबर पूरे घर के लेके रखता है व्यापारियों का भी, बातचीत रात को 11 बजे 10 बजे चलते रहती है व्यापार की बातें। भाई तुम दुकान में करो ना जो ही बातें करना है, यहाँ घर पे आने के बाद क्यों करते हो, लेकिन उसको पैसा कमाना है तो उसको तो फिक्र ही, अगर फाइनेंस का धंधा हो सुबह 5 बजे उठ के चले जाता है कि नहीं चले जाता है पैसा वसूल करने के लिए, तो पैसा नहीं देता है बराबर, चलो उसको घर को पकड़ो, रात को सोने को तो घर पे लेगा ना, दिन भर नहीं मिलता है तो सुबह उठते ही पकड़ लेंगे उसको गला, जाते हैं कि पैसा कमाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं।
तो वो ऐसा सोचते हैं कि देखो मैं कितनी मेहनत करता हूँ पैसा कमाने के लिए। अभी सोचा है कभी जिंदगी में? या थोड़ा आत्मा कल्याण के लिए एक घंटा सत्संग किया और उसके लिए थोड़ा बहुत खर्चा हुआ, आने जाने का टाइम गया, इतना करते हैं हम लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। जल्दी हो जाए तो अच्छा, तो ये आना जाना मिट जाए हमारा। क्या ये आना जाना बोझ रूप लगता है ना, जब तक तब तक समझो कि हमारी भावना में कमी है। जल्दी से आत्म कल्याण हो जाए तभी गुरु के पास रोज जाने की कटकट नहीं होना, अपना अपने घर में भी बात आराम से कर लेंगे, रोज आने का माथा पड़े नहीं किसी बात, भावना में कमी हो जाएगा तो गुरु पे ऐसी भक्ति आएगी, ऐसी भक्ति आएगी तो उसको तो छोड़ने का ही दिल नहीं होगा। कि रोज भले ही आप कुछ भी मत बोलो, हमको सिर्फ दर्शन मिल जाए तो बस है हमारा, उसको ऐसी भक्ति आएगी, वो छोड़ेगा ही नहीं। ऐसा होता है, वो छोड़ने का रहता नहीं। इसका यहाँ पर जो संबंध बनते हैं वो हमेशा साथ में रहने वाले संबंध, क्योंकि वो बिछड़ने का नहीं है। फिर अगर सही चले तो बिछड़ने का नहीं, शीतालय में भी साथ में रहने का है। गुरु भी भगवान बनेंगे और हम भी भगवान बनेंगे तो शीत भगवान में हम शीतला तो साथ में रहेंगे। अनंत काल का साथ है, कोई एक दिन का साथ थोड़ा है। हाथ पकड़े हैं तो एक दिन के लिए थोड़ा पकड़े हैं, स्वार्थ के लिए थोड़ा पकड़े हैं कि हमारा स्वार्थ पूरा हो जाए तो आप आपके घर में हम हमारे घर में, ऐसा थोड़ा होता है। ऐसी कोई बात नहीं होती ऐसा, अच्छे नहीं लगते हैं। देखो पूर्व कर्म है तो हमको समता भाव में मित्रता में रहना है, गुरु की तो वो आज्ञा है। अच्छे नहीं लगे तो भी हमको तो उसी में ही, उसी में से ही हमारा निपटारा करना है। भाग कर्मों से दुख आए तो भागना नहीं है कुछ हमारा, अच्छा है और भी आओ जितना आना है, हमारा कर्जा चुकता है। जिसको हमको हैरान करना है कर लो, द्वेष बिल्कुल मन के कोने में भी नहीं आना चाहिए कि देखो हमारे गुरु के अंतरा डालता है, गुरु के पास जाने नहीं देता है, उसका दोष नहीं है। हमने पूर्व कर्म ऐसे किए हैं, हमने भूतकाल में किसी को अंतराय डाला है, इसीलिए ये जीव निमित्त बन करके आता है। असल में उसकी कोई गलती नहीं है, हमने ही बहुत विराधना की है भूतकाल में उस व्यक्ति के प्रति थोड़ा भी द्वेष। अगर द्वेष करते हैं तो हम सत्संग ही नहीं, सच्चे उसका दोष देखते हैं तो हम सच्चे सत्संग ही नहीं। अगर ऐसा द्वेष आएगा तो उसको असर ही होने वाली नहीं, सामने वाले के प्रति किसी प्रकार के दोष नहीं, प्रेम भी नहीं है और उसके ऊपर गलत असर गिरता है। सच्चे सत्संगी हो और आपका व्यवहार अगर बिगड़ेगा नहीं, वो कितना भी हैरान करे तो भी आप समता भाव में रहोगे तो उसकी आंखें चार हो जाएगी कि ऐसे ऐसे तो हमने देखा नहीं कभी, हमने इतना सताया फिर भी वो एक शब्द एक उप नितम नहीं बोलते हैं। सत्संग की वैल्यू तभी बढ़ती है, मना कोई नहीं करता, गलती होती है तभी मना करता है। फिर वो हमारे को क्यों साथ नहीं देंगे, लेकिन हमारी गलती होती है। सब सपोर्ट मिलता है, भावना अगर सच्ची है, भावना सच्ची नहीं है तो हमारे में खोट होती है तो फिर खत्म। कोई कितना भी हैरान करे किसी का दोस्त नहीं। बस बस तो यहाँ कहते हैं इधर, अगर एक बार भी सच्ची भक्ति लगे, एक बार भी शुद्ध अंतःकरण की सत्संग की भक्ति लगे, सत्संग के लिए पूरा पागल हो जाए, वो बेचैन नहीं मिले तो बेचैन बेचैन, खाना भी खाना नहीं सुहाए और मिले तो इतना खुशी हो जाए, इतना ऐसा पूरी अर्पणता रहे इसके लिए, तो ऐसी अपूर्व भक्ति से अगर एक बार भी सत्संग की उपासना किया तो अल्प काल में जितने भी दुर्गुण है वो सब खत्म हो जाएंगे, अपने आप खत्म करने की भी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अल्प काल में सारे दोषों का नाश हो जाएगा, मिथ्याग्रह आदि का, फिर आत्मज्ञान होगा और आत्मज्ञान होने के बाद भी
वो सत्संग चालू रखेगा तो उसके चारित्र मोह के दोष भी पूरे खत्म हो जाएगा और परमात्मा बनेगा। क्या बनेगा? शुरुआत भी वैसी की थी ना अपन, तो मोक्ष के लिए सत्संग करना है, किसी को दिखाने के लिए सत्संग नहीं करना है। हमारा सत्संग करने के पीछे हेतु इतना ही है कि हमारी आत्मा अनंत काल से भटक रही है, राग द्वेष करके रख के कर्म बांध रही है और चारों गतियों में अनंत काल से भटक रही है और दुखी हो रही है। ऐसी हमारी आत्मा को हमको छुड़ाना है, ऐसी आत्मा को छुड़ाना, जन्म मरण से चक्कर से छुड़ाने के लिए हमारे पास तो इतना ज्ञान नहीं है कि हम अपने आप कुछ रास्ता निकाल पाए। तो श्री तीर्थंकर भगवान ने क्या कहा है, तीर्थंकर भगवान ने ये कहा है कि भाई अगर तुम्हारे को मालूम नहीं है कि रास्ता जन्म मरण से कैसे तीरना, मुक्ति को कैसे प्राप्त करना और शांति कैसे होना, तो एक काम करो, तुम सत्संग में चले जाओ, एकमात्र सारे धर्म की क्रिया तुम बाजू पर रख दो,